फाइनली दोस्तों आपका भाई पहुंच गया है बोंगागा का क्लॉक टावर पर। देखे क्लॉक टावर का रंग और मेरा जैकेट का रंग भी मैच हो रहा है। एंड दोस्तों देखे ये है क्लॉक टावर, इसके ऊपर में आपको एक घड़ी दिखाई दे रहा होगा, वो ऐसा डिजाइनिंग वाला घड़ी नहीं, वो रियल टाइम आपको बताता है। दोस्तों दरअसल ये क्लॉक टावर बोंगागांव के शहर के खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। वाकई में सच में देखे इसको देखेंगे तो आपके आंखें फटे के फटे ही रह जाएंगे। मुझे तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर यहाँ में कोई भी नए आएंगे तो उसका आँख यहाँ में एक बार जरूर गिर जाएगा। दोस्तों आपको इस क्लॉक टावर के तीन स्तंभ दिखाई दे रहे होंगे एंड तीनों स्तंभ में हमारे आसाम के अलग अलग संस्कृति को दिखाया गया है। सबसे पहले आप पहले ऊपर में देखिए, हमारे आसाम में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के पिक्चर को दिखाकर हमारे आसाम में ये हुआ था वो हुआ था, हमारे आसाम में ऐसा युद्ध हुआ था उसको समझाने के दिखाने का कोशिश किया है। अगर आप देखेंगे नीचे वाले स्तंभ में हमारे आसाम के कला संस्कृति गाना डांस बाजना में यूज होने वाले अलग अलग वाद्य यंत्र को दिखाया गया है। साथ ही में हमारे आसाम में डांस करते हैं उसको भी दिखाया गया है। वहाँ पे आपको झांपी दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग यंत्र गाना में यूज होने वाला अलग अलग यंत्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वो सारा का सारा वहाँ पे दिखाया गया है। ये ऐसा ही डिजाइनिंग के लिए नहीं दिखाया गया है, हमारे आसाम में कौन कौन से म्यूजिक होते हैं, कौन कौन से डांस होते हैं, कौन कौन से डांस में, कौन कौन से संगीत में, कौन कौन से वाद्य यंत्र होता है, वो सारा का सारा यहाँ पे दिखाया गया है। इसीलिए तो यार इस क्लॉक टावर के वजह से बोंगाईगांव का खूबसूरती सच में निखर के आता है। दोस्तों ये क्लॉक टावर जो है वीर शिला राय फ्लाईओवर ब्रिज के ठीक बगल में है। दोस्तों वो रहा वीर शिला राय फ्लाईओवर ब्रिज है। एंड दोस्तों इस तरफ से भी नज़ारा देखिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय फ्रॉम बोंगाईगांव क्लॉक टावर।